कर विराजमान सभी सम्मानित नेता साथी पदाधिकारीगण और मेरे ऐसे गुना जिसकी पवित्र धरती को मैं सदैव प्रणाम करता हूं, मेरे बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे और भांजियों, इस साल बरसात ने रिकॉर्ड तोड़ा। रिकॉर्ड तोड़ बरसात हुई, बाढ़ें आई, लेकिन अकेले बरसात ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, सर्दी भी रिकॉर्ड तोड़ रही है, पानी भी हर हफ्ते गिर रहा है और सर्दी भी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। इन बरसात और सर्दी ने रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, ये कमलनाथ की सरकार भी कई रिकॉर्ड तोड़ रही है। ऐसा वचन पत्र दिया कि कई लोग लट्टू हो गए। वाह, 10 दिन में सबका कर्जा माफ। और ऐसे गिनते थे उनके नेता दिल्ली वाले, देश में कम रहते हैं, विदेश में ज्यादा रहते हैं, गिन गिन के बताते थे 10 दिन में माफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और माफ नहीं करूंगा तो 11वें दिन माफ नहीं किया तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल दूंगा। बोलो, कहता कि नहीं कहता? अरे जोर से बोलो, कहता कि नहीं कहता? अब कई ने सोचा कि मामा तो ठीक है यार, अपना इस बारी नहीं देख लो। अब 10 दिन के कितने महीना हो गए? 13 पूरे हो गए, 14 चल रहा है। और इस हिसाब से मुख्यमंत्री बदलते तो 13 दिया 39 बदल देते। झूठे सपने देखे, सुनहरे वादे किए, कर्जा माफ। और अब कभी प्रमाण पत्र भेजते हैं, कभी फार्म भरवाते हैं। अरे कहा था 11 दिन में, 10 दिन में माफ करो। अगर जरा भी जरूरत है कमलनाथ तो कर्जा माफ नहीं हो रहा तो इस्तीफा देके घर चले जाओ। तुमने वचन दिया था, हमने नहीं दिया। ओ अच्छा, कर्जा माफी के चक्कर में हम जब बाद में मुख्यमंत्री नहीं बने, वोट तो ज्यादा मिले, सीटें कम रह गई, तो हमने कई जगह कहा कि हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको मिली। मामा गलती हो गई रे, 2 लाख के चक्कर में आ गए थे, अब बताएंगे इनको लोकसभा में। आधी छोड़ एक को धाबे, आधी मिले न पूरी पावे। एक किसान के हाथ एक मुर्गी हाथ लग गई, वो रोज एक अंडा सोने का देते थे, एक अंडा, फिर दूसरे दिन एक अंडा, फिर तीसरे दिन एक अंडा। उनका कोई बुद्धिमान दोस्त मिल गया कि यार एक एक अंडा का क्या, एक दिन छुरी उठा, पेट फाड़ के इकट्ठे ही निकाल लो। किसान भी लालच में फंस गए, उठाई छुरी, पेट फाड़ा तो एक आधी अंडा निकला और मुर्गी जान से गई। मामा तो रोज देता था, रे ये गेहूं के ले लो, ये चना के ले लो, ये उड़दा के ले लो, ये मूंग के ले लो। अब तुमने छुरी उठा के मुर्गी के पेट फाड़ दिया। अब रास्ता मिले, मामा रे मर गए, पैसा नहीं मिले, बोनस नहीं, चना का नहीं, मूंग के नहीं, उड़दा के नहीं, सोयाबीन के 500 नहीं, गेहूं का बोनस नहीं, 160 का था वो ही नहीं दे रहा दादा। मामा तो 2100 खरीदता रे, लेकिन अब कुछ नहीं। हमने विधानसभा में कहा कि दोगे कि नहीं दोगे बताओ, तो दादा घुमाते रहे। अच्छा, जिनने यहां तो धान नहीं होती, मैं 4-6 दिन पहले गया था बाई रोड जबलपुर तेंदुखेड़ा ब्रह्मो, धान बहुत होती, तो कुछ तो धान ही नहीं बिक रहे। और जिनकी धान बिक गई वे मुंह पटक पटक कर रो रहे थे कि मामा पैसा ही नहीं मिल रहे। अब मेरे जमाने में तो रोज 3-3, 4-4 बार महीना हम देखते थे, काहे के आ गए, काहे के आ गए, काहे के आ गए। बैंकों में मार लंबी लंबी लाइन है, पैसा निकलवाने जाते। अब लग रही बैंक में लाइन है,
अरे जोर से बताओ, लग रही क्या? लाइन ने जरूर लगवाई दादाजी ने, यूरिया की लाइन, बड़ी बड़ी लाइन। अच्छा उसमें भी दो दो बोरी, तो बाप भी लग गए, बेटा भी लग गए, मैयो भी लग गई, दो दो बोरी अच्छा मिलेगी। चारों तरफ हाहाकार मची, वादा करके मुकरते, वचन भंग किया, विश्वासघात किया, पीठ में छुरा घोंपा। आज किसान परेशान, ओला इल्ली सूखा पाला, मामा तो कभी नहीं चुपता था, किसान बाद में पहुंचता था, पहले मैं हेलीकॉप्टर उतार देता था। और एक ही बात अफसरों से कहता, नुकसान कम मत लिख देना, ज्यादा लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम लिख दिया तो नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा, देने वाला ये बैठा तुम्हारा क्या जा रहा है, अब ढेला नहीं दे रहा। अरे मैंने कहा चले तो जाओ, बोले नहीं हमारी स्टाइल है, हम तो वल्लभ भवन में ही काम करते हैं। मैंने कहा तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, एक बार चले तो जाओ भैया, बिना जाए जनता के हाल दिखेंगे। नौजवानों को कह दिया चिंता मत करो, 4,000 रुपया हर महीना। अब भांजे भांजे ने भी सोचा कि 4,000 देख लेते हैं यार, तो हमने कहा 4,000 दो, बोले हम तो रोजगार दे रहे हैं। हम का रोजगार कौन से दे रहे हैं, बोले हम ढोर चराने की ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। हम का ढोर का चराएंगे, बीड़ी नहीं बची। फिर दूसरा रोजगार, बोले हम ढोल बजाओ बैंड बजाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ढोर चराओ बैंड बजाओ बंदर नचाओ बिच्छू पकड़ लाओ। ये कांग्रेस रोजगार दे रही, बच्चों के साथ घिनौना मजाक किया। मेरे बेटे बेटी जगह जगह मिलते हैं, गरीब बच्चों की हम फीस भरवाते थे, 70% बारहवीं में ले आए तो लैपटॉप दिलवाते थे, कॉलेज में एडमिशन हो तो स्मार्टफोन दिलवाते थे, और 6 नंबर आ जाए तो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जन्म भर पढ़ाई तक पूरी उनकी फीस भरवाने के इंतजाम मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की भी मैं करता था। सारी योजना तुमने बंद कर दी, आगे क्या देगा इन बच्चों ने, मैं पूछना चाहता हूं। बच्चे रोते हैं, फीस नहीं भरा रही, मर गए मामा, परेशान। बच्चों की फीस भरना बंद कर दी, बेटियों की शादी, बोले मामा तो 27,000 देता, हम 51,000 देंगे। बेटियों की शादी हो गई, ढेला नहीं मिला, जिनके साथ साथ फेरे पड़वाए। अब जब हम लड़े तो कहने लगे हम किस्तों में देंगे, किस्तों में। हम कहा है फेरे के हिसाब से दोगे क्या, एक फेरा हो गया तो इतने देंगे, दो फेरा हो गया तो इतने देंगे। आज तक बेटियां इंतजार कर रही है, कुछ तो आ जाए। हमारी बहनें अगर बेटा बेटी को जन्म देती थी तो 4,000 पहले और 12,000 बाद में, कुल 16,000। मेरी बहनों के लड्डू के पैसे भी इनने छीन लिए, बिजली के बिल बड़े बड़े, एक मिला मामा 20,000, दूसरे ने कहा 13 तो 20 है, मेरा 38 आया, एक कहने मेरा तो 98,000 आया। गरीब इलाज करवाते थे, वो पैसा बंद कर दिया। एक्सीडेंट पर मौत पर 4,00,000, सामान्य मृत्यु पर 2,00,000, अंतिम संस्कार के लिए 5,000। इस कांग्रेस की बेईमान सरकार ने गरीबों का कफन भी छीन लिया, वो कफन के 5,000 भी खा गए, 5,000 भी खा गए। चारों तरफ त्राई त्राई मची, गरीबों का हक छीन लिया, डाका डाला उसने, किसान तबाह कर दिए, लाड़ी लक्ष्मी का पैसा नहीं आ रहा है। क्या बात किया था मेरे मध्य प्रदेश की जनता ने, गुना में मेडिकल कॉलेज नहीं है, कैंप की स्वीकृति के बाद भी
स्मार्ट मिनी स्मार्ट सिटी हम बना रहे थे, वो पैसा भी हब कर गए। अरे और तो और टेकरी वाले हनुमान जी को भी नहीं छोड़ा इनने तो, वो जो योजना बनाई थी वो उन पर सब काम बंद, सब स्वीकृति थी, टेंडर होना था 5 करोड़ रुपया से ज्यादा, चारों तरफ हाहाकार मची है, विकास के सारे काम ठप्प पड़े। काय का विकास, हमारे कामों का लोकार्पण कर लें बस, उसके अलावा कुछ नहीं है। एक ही काम सरकार कर रही है, एक बड़ा फैसला किया मैंने 2011 के बाद, कोई दारू की दुकान नई नहीं खुलने दी, पुरानी बंद करने की मैंने शुरुआत की थी। लेकिन इस कमलनाथ सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने तय किया कि जिनकी दारू की दुकानें हैं वो और पैसा जमा करके दुकान की दुकान एक या एक से अधिक खोल सकते हैं। अब ये बातें कोई याद मत करो, दारू पियो और पड़े रहो। गांव गांव दुकानें, मैंने विरोध किया कि दारू की दुकान नहीं खुलने देंगे। मुख्यमंत्री फैसला वापिस लो। मुख्यमंत्री और कांग्रेस के लोग कहते हैं कि वो तो अवैध खत्म करने की, हम दारू की दुकान खोल रहे हैं, हम अवैध कैसे खुल जाएगी, बोले जा दारू की दुकान नहीं, हम अवैध बिकती तो हम वैध ही खोल रहे हैं। हमने कहा ऐसा करो, फिर अवैध रोकना तो होम डिलीवरी करवा दो, घर घर ही भिजवा दो, पियो और पड़े रहो, यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जियो सुख से जियो और उधार लेके भी दारू पियो। ये कांग्रेस की नीति है। आज गुना की इस पवित्र धरती पर रात के साथ मैं संकल्प लेता हूं, चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री को, पूरे कांग्रेस और उसके मंत्रियों को, एक भी उप दुकान दारू के नाम पर दुकान खोली तो नहीं खुलने देंगे किसी भी कीमत पर, दारू की नदियां नहीं बनने देंगे, लड़ेंगे। देखे कैसे दारू की दुकानें खोलते हो, बोलो खुलना चाहिए क्या दारू की दुकानें, पूछना चाहता हूं, तो इसके लिए लड़ाई लड़ोगे, दारू की दुकानें खोल दो बस। डीजल पर बढ़ा दिए, पेट्रोल पर 5-5 रुपया बढ़ा दिया, वचन पत्र में लिखा था हम सस्ता करेंगे, डीजल को बढ़ा दिए, पेट्रोल को बढ़ा दिए, दारू को बढ़ा दिए, नई दुकानें खोल रहे हैं, कहला किसान को पैसे देना इसलिए डीजल पेट्रोल को बढ़ा रहे, ढेला दिया किसानों को, जेब से किसानों की जा रहा है। भाई एक काम इस समय बदला लो, बदला लो, माफिया बोले माफियाओं पर कार्रवाई करते हैं, कौन से माफिया पर कार्रवाई करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा माफिया पर कार्रवाई अगर होगी तो हम साथ खड़े रहेंगे, लेकिन कौन माफिया, हालत ये है कि रेत और गिट्टी की खुदाई पूरे प्रदेश में जारी है, नदियां खोखली कर दी, अगर कार्रवाई करना है कमलनाथ रेत माफिया पर, रेत माफिया खुल के खेल रहे हैं, कांग्रेस के मंत्रियों की भागीदारी है, शराब माफिया, दारू बेचो, परिवहन माफिया, मद में अभी गया था नासिक नागपुर, वहां आते हैं लोग कहते हैं आपके प्रदेश में ट्रक घुसता है तो 700 रुपया चक्का लिया जाता है, मेरे चक्का क्या है, बोले जितने पहिए का ट्रक उतने 700 में गुणा करके 10 पहिए का ट्रक तो 700 दम 7000 रुपया लेते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही, दूसरे प्रदेशों के ट्रांसपोर्ट स्टेशन के लोग मिले तो लुट रहे हैं आपके, हर चक्के के 700 रुपया पूरे प्रदेश को तबार बर्बाद करके तुम्हारे घर भरने का काम कर रहे हो, और एक है ट्रांसफर माफिया, कलेक्टर हो, एसपीओ, बड़े अफसर हो, छोटा कर्मचारी हो, दैट ट्रांसफर, दैट ट्रांसफर, दैट ट्रांसफर, और बिना लिए दिए नहीं हो रहे, रेट तय, कितने में कलेक्टर आएगा, कितने में एसपी आएगा, कितने मास्टर के ट्रांसफर लगेंगे, 50,000 से 70,000 मास्टरों के रेट,
अच्छा इसके बाद करने के बाद ये भी ठिकाना नहीं कि कितने दिन रहेंगे, 3 महीने में फिर ट्रांसफर, पहले करवाने के पैसे, फिर रुकवाने के पैसे, फिर दूसरे को लाने के पैसे, और ये कलेक्टर वलेक्टर भी आते हैं तो वो समेटने में लग जाते, पता नहीं कब हो जाए तो इकट्ठे खा जाओ। कहते हैं कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जगता था, और जब उठता था तो 6 महीने लगातार खाते ही रहता था। ये कांग्रेसी कुंभकर्ण तो 12 ही महीने खा रहे, ईट गिट्टी रेता तबाह कर दिया हमने पूरे मध्य प्रदेश को। आज मैं आया हूं बाहर, दोस्तों भर के आया हूं और चेतावनी देने आया हूं, चुन चुन के बता दिया जा रहा है। गरीबों की झोंपड़ियों भी ममता जी बता रही थी, माफियाओं के नाम पर गरीबों के काम धंधे नष्ट किए जा रहे हैं, उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, और एक धंधा बना लिया अफसरों ने। कलेक्टर क्या कर रहे हैं, एक को नोटिस दो तोड़ने का तोड़ो और 10 से वसूली कर लो, ले आओ नहीं तेरी भी टूटेगी। डरा डरा के एक ही तोड़ो, 10 से पैसे ले लो, ये धंधा चला हुआ जनता को आतंकित कर रहे हैं। एक ही मिठाई चेक करो और 10 मिठाई वालों से पैसे ले लो, ला नहीं तो रास्ता में ले जाएंगे। किसान परेशान, नौजवान परेशान, व्यापारी परेशान, और जो आवाज उठा उसको कुचल दो। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं को केस बना जा रहे, कलेक्टर सुन ले और कमलनाथ भी सुन ले, इसके होने के बाद भी होटल तोड़ी जा रही है, कई अंधेर करती नहीं है। कुंभ राज में आप बता रही थी कांग्रेस के 37 लोगों पे FIR अवैध कब्जे की, उनके उनको हाथ नहीं लगाया, लेकिन भाजपा वालों की तोड़ दो या गरीबों की तोड़ दो, चीन चीन के तोड़ो। अशोक नगर में गंदा केस बनाया गया, इसलिए जसपाल जज्जी का विधायक है उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे दिए झूठे जाति प्रमाण पत्र के, और झूठे सबूत, झूठे गवाह भी, इसलिए दुष्कर्म के केस में फंसा देंगे। उस दिन ताम्रकार जो पत्रकार भी है, राजकुमारी थी भारतीय जनता पार्टी के, अशोक नगर के जिला अध्यक्ष के लिए दिन भर भाता, ये हमारे वहां के अध्यक्ष खड़े, लेकिन झूठे केस में भिजवा दो, दुकानें तोड़ दो, मुकदमे बना दो। कमलनाथ जी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रसगुल्ला नहीं है, जो निकल जाओ पेट फाड़ के बाहर निकलेंगे, देख लेना। अत्याचार के खिलाफ लड़ने की जिद है हमें, अरे हम इंदिरा गांधी से नहीं डरे। मैं कलेक्टर को भी चेतावनी दे रहा हूं, ये जो ऊंचूल आदेश मान रहे हो और भाजपा के लोगों को परेशान कर रहे हो, आज चेतावनी देने आया हूं, अगर नहीं सुधरे तो कलेक्ट्रेट घेरने आऊंगा और पूरी जनता का सैलाब आएगा, अकेला शिवराज नहीं आएगा, ये दादागिरी नहीं चलने दूंगा। आगे नियम प्रक्रिया के अंतर्गत काम करोगे, रूल ऑफ लॉ है हिंदुस्तान में, काम नियम प्रक्रिया के तहत करना पड़ेगा। लेकिन उनके कहने पे हम दुम हिलाएं और झूठे मुकदमे बनाएं, ये नहीं चलेगा। अरे हम इंदिरा गांधी से नहीं डरे रे, तुमसे क्या डरेंगे, इमरजेंसी में जेलों में गए जब उम्र हमारी 17 साल थी, दुबले पतले हैं लेकिन लड़ने का दम बहुत है। 2 दिन की बहारें हैं जग में, जब जुल्म किसी का चलता है
ये जुल्म का सूरज लाग चढ़े हर शाम को लेकिन ढलता है। राघोगढ़ में केस बनाया जा रहा है, आरोन कुमारी अध्यक्ष को हटा दिया, सीएमओ को चार्ज दे दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हटा दो चुन चुन के। ये लोकतंत्र है कमलनाथ जी, और आपके मंत्री सारे सुन लें, अफसर सुन लें। जब हम इंदिरा जी से नहीं डरे तो तुम कहां बिद्दी और बिद्दी का सोरवा, तुम क्या हमें डराओगे? अपनी पे आएंगे तो सड़कों पे लड़ेंगे। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, ये झूठे मुकदमे बनाना बंद करो, गरीबों की आस्थाएं तोड़ना बंद करो, किसानों को लूटना बर्बाद करना बंद करो। खुल के लूट रहे हैं, घर भरो घर भरो, अच्छा सुनहरा मौका मिला है। और जो गड़बड़ कर रहे हैं अफसर सुन ले, और कलेक्टर भी सुन ले, ये सरकार परमानेंट नहीं रहती रे, ये तो आती है और जाती है। मैं एक किस्सा सुनाता हूं आपको, इमरजेंसी में हम छोटे से थे, 17 साल की उम्र थी हमारी, इमरजेंसी के खिलाफ पर्चे बांटते थे, एक दिन पकड़ लिए गए, पुलिस ने हमें पकड़ा, फिर हबीबगंज थाने में ले जाए गए। छुपाऊंगा नहीं, वहां हमारी थोड़ी धुलाई भी हुई, डंडों से घुटनों में और कोहनियों में। अरे बताओ पर्चे कहां मिलते थे? बिल्कुल ये तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक होटल वाला देता था नाथूराम सोनी बेचारा, गरीब फट्टे की होटल थी उसकी, मिल गया तो मर ही जाएगा, तो मैंने कहा नहीं बताऊंगा। मारा पीटा, तब मैंने कहा एक सीएसपी था, मैंने कहा ज्यादा जुल्म मत करो भाई, कभी हमारी भी सरकार आएगी। तो हंसने लगा, बोले तुम्हारी आएगी? आएगी तो इस्तीफा दे दूंगा। हम तो छोटे थे, जनता पार्टी आई, जेलों से बाहर निकले, चुनाव में भी खूब काम किया। अच्छा मैं उस घटना को भूल भाल गया, लेकिन एक दिन मुझे दिख गया विधानसभा की कार्रवाई देखने के दौरान, मैंने कहा ये तो वो ये त्रिवेदी जी। मैं जाके सामने खड़ा हूं, उनका इधर आओ, मुझे पहचाने? बोले जी सर सर सर। बताओ इस्तीफा कब दे रहे हो? बोले सर माफ माफ कर दो, गलती हो गई। अब मैं वहां से चला गया विधायक विश्राम गृह खंड क्रमांक 2 के 16 नंबर कमरे में, विद्यार्थी परिषद का दफ्तर था कार्यालय। रात को, आधी रात को सीएसपी साहब आए, दरवाजा खटखटाया और मैंने खोला तो सीधे मेरे पांव पकड़ लिए। बोले मर जाऊंगा मैं भी, बाल बच्चे वाला हूं। मैंने कहा तुम तो कह रहे थे दे देंगे, क्या मैं भूल गया? लेकिन तब भूल गया, अब नहीं भूलूंगा, हमारे भी दिन आएंगे। आनी जानी सरकारें रे, नियम प्रक्रिया के तहत काम करता, जनता को तंग और परेशान मत करो, और नहीं तो सड़कों पे भी भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। हम कोई कसर लड़ाई में नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मत सोचना कि सरकार आने का इंतजार करेंगे, दिन जाते देर नहीं लगती। और कलेक्टर हो चाहे कमलनाथ हो, मैं सीधे कह रहा हूं ये जुल्म बंद करो, अत्याचार बंद करो। अरे नूर की एक किरण तुम्हारे जुल्मात पे भारी होगी, रात तुम्हारी है लेकिन सुबह हमारी होगी, और वो सुबह आएगी। ये बौखलाए नेता जो हार गए, कांग्रेस के मंत्री दो दो हैं, अच्छा बड़ा गर्व करते हैं अपने आप पे, हाँ हम तो चमचे हैं। अरे भैया जनता ने जिताया है, जरा तो शर्म करो। सार्वजनिक रूप से हम तो चमचे हैं, भगवान को छोड़े हैं, धन्य तुम्हारे माता पिता को, जीवन भर रहेंगे, अगले जन्म में भी रहेंगे।
जनता को जनप्रतिनिधि चाहिए जो उनके अधिकार के लिए लड़े, जो उनकी सेवा करे। गुलाम नहीं चाहिए मेरे बहनों और भाइयों, चमचे नहीं चाहिए। कोई तरीका है? मंत्रियों की कोई गरिमा होती है? आगे मंत्री संवैधानिक पद है, मंत्री की अपनी गरिमा होती है। नहीं, ये सरकार, ये सरकार जनता के लिए क्या खाक करेगी? आ गई है तो रागो दल में तोड़ दो, आरवान में तोड़ दो, चाचौड़ा कुंभराज में तोड़ दो, भाजपा वालों को निपटा दो। अरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फिनिक्स पक्षी के समान रात के ढेर से उठ जाएंगे हम, और आज हम चुनौती देते हैं, चेतावनी भी देते हैं। अगर ये जुल्म और जिद करना नहीं छोड़ी तो तुम्हारे अत्याचार, अन्याय और भ्रष्टाचार के पाप की लंका को जला के राख कर देंगे, राख कर देंगे। और मैं आपको जनता को अपील करना चाहता हूं, कोई डरने की जरूरत नहीं। किससे डरे और क्यों डरे? असली मालिक जनता है मेरे बहनों और भाइयों। जनता जब निकलती है सड़कों पे तो तख्त टूट जाते हैं और ताज धूल में मिला दिए जाते हैं। बोले हमको छेड़ने की कोशिश मत करो, जब हम सचकते हैं तो आसमां सचक जाते हैं, जब हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाते हैं। अरे हमको बदलने की कोशिश मत करो, जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। अरे सुन ले कलेक्टर सहित सारे अधिकारी, एक एक चीज मेरे हाथ में, और मैं फिर कह रहा हूं मरने की परवाह नहीं करता, जेल जाने से डरता कौन है? हो तुम्हारी संगीनों में दम तो ले आना, लेकिन अगर अत्याचार नहीं छोड़ा तो मैं फिर गुना आऊंगा, फिर गुना आऊंगा, ये कह के जा रहा हूं। आज हमने ये चेतावनी आपको सवा रखी है, और कल हम केवल सभा नहीं रखेंगे, हम घेरेंगे। बोलो मेरे साथ लड़ाई लड़ोगे? जोरदार आवाज बोलो, लड़ाई लड़ोगे? ये जनता गुना की आज तैयार है लड़ने को, ये वोट देना भी जानती है और जरूरत पड़े तो अन्याय के खिलाफ लड़ना भी जानती है। आओ मेरे बहनों और भाइयों, गुना की पवित्र धरती पर हम सब संकल्प करें, हम सब संकल्प करें कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। बोले लड़ोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के अन्याय के खिलाफ लड़ने का संकल्प लो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और सुन लो, इस अत्याचार के खिलाफ 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी झूठे केस, कार्यकर्ताओं और जनता के घर तोड़ना, उसके खिलाफ आंदोलन कर रही है। 24 को गुना में भी होगा, और उसके बाद नहीं माने तो फिर शिवराज सिंह चौहान आएगा और फिर यहाँ की लड़ाई लड़ेगा। सीए पे भ्रम फैलाया जा रहा है, सीए कुछ नहीं है, कानून है केवल। 43 होकर धार्मिक आधार पर जो आए पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से, चाहे वो हिंदू, सिख, जैन, पारसी, ईसाई, अलग अलग लोगों, उनको नागरिकता देने का कानून है, उसमें कोई भी चीज मुस्लिम विरोधी नहीं है, उसके बारे में भी भ्रम फैला रहे हैं। तो 24 को भी आंदोलन होगा, और अगली बार जब मैं आऊंगा, अगर अन्याय बंद नहीं किया तो बताओ तुम भी आओगे? जोर से आओगे? लड़ाई लड़ोगे? तो चिंता मत करना और डरने की जरूरत नहीं है, टाइगर अभी जिंदा है। सीए के मामले में मोदी जी का समर्थन करने के लिए, सीए के समर्थन में सभी जनता जनार्दन से निवेदन करता हूं, मिस कॉल करके समर्थन देना है, और मिस कॉल का नंबर है 88662, फिर 88662, double 8 double 6 2, फिर double 8
66 2। अब हाथ उठाओ, मोबाइल कौन कौन के पास है, तो अपने अपने मोबाइल निकालो, अपने अपने मोबाइल हाथ में निकालो, ऐसे निकालो सब हाथ में उठाओ और ये नंबर डायल करके मोदी जी के प्रति समर्थन जताओ। तैयार हो? अरे जोर से बोलो, तैयार हो तो डायल करो 8 66 2 88 66 2। हो गया डायल की, एक बार और बोलूं, हो गया तो अब इसको डायल कर दो, दबा दो। अरे हाँ,